स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे एमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट। HPSC का जो सिलेबस दिया गया है उसमें ये हमारा टॉपिक है TQM। तो TQM के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। TQM एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं को, जितने भी कंज्यूमर नीड्स हैं उसको और संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और जो हमारे कस्टमर की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत किया जाता है। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन हैं उसको एकीकृत इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, जिसमें ये जितने फंक्शन हैं वो सारे आ गए। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें मार्केटिंग आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि TQM एक मैनेजमेंट का एक ऐसा सिद्धांत है जो हर प्रकार के इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी लाने के लिए मदद करता है। नाम है क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को इस तरह से करना ताकि क्वालिटी आए काम में। तो ये TQM यानी कि जो क्वालिटी सिस्टम है, ये जो TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो क्वालिटी सिस्टम संगठन को बेहतर और मजबूत करने के लिए एम्प्लॉय से लेके कर्मचारी से लेके डायरेक्टर तक को पूर्ण अधिकार देता है, ताकि वो संबंधित उत्पाद यानी कि जो रिलेट करता है प्रोडक्ट और सर्विस, उसमें वो सुधार कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके और प्रोसेस के द्वारा प्रबंधन व गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी ले सके, यानी कि क्वालिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी ले सके। किसको अधिकार दिए गए हैं, एम्प्लॉई से लेकर डायरेक्टर तक, कि वो जितनी हर संभव कोशिश करे प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर बनाने की। यह प्रबंधन का एक सिद्धांत है। यह कार्यप्रणाली ग्राहकों की आवश्यकता और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है, जिससे उसके लिए सूटेबल है जिससे कि कोई भी संगठन बेहतर और परिपक्व बनाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हर एक प्रोडक्ट को जांचा जाता है, उसमें आने वाली हर कमी का, दोष का मुख्य कारण खोजा जाता है, उन दोषों को दूर किया जाता है ताकि प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी ना रहे, जिससे ग्राहक का समाधान होता है। गुणवत्ता में सुधार यानी कि जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए और उत्पादन लागत को कम करने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरुआती प्रक्रिया में ही गुणवत्ता अपनाने की मूल धारणा को मानता है, ठीक है। शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग से ही अगर क्वालिटी वाले काम किए जाएंगे तो अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। यह धारणा किसने दी, विलियम एडवर्ड डेमिंग ने प्रस्तावित की थी, और कब की थी, 1980 में, जिन्हें गुणवत्ता गुरु माना जाता है। आज TQM सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े बड़े संस्थाओं में लागू किया जाता है, जैसे कि शैक्षिक संस्थान है, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, हमारे ये शॉप्स हैं, कोई भी दफ्तर ऑफिस है, निर्माण केंद्र है जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, सरकारी गवर्नमेंट संस्था में, सभी ने इसे लागू किया है। यानी कि आज के समय में क्वालिटी सिस्टम सभी उद्योग, व्यापार व गतिविधियों में लागू किया जाता है। किसी भी संगठन में जब भी TQM लागू किया जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लागू किया जाता है, ये इस कार्य प्रणाली का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उन संगठन के व्यक्तियों में तालमेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वहाँ के लोगों में, तभी TQM को जारी किया जा सकेगा, तभी ऐसे संगठन अपनी संस्था के लिए व्यापक और बेहतर योजनाएं बना सकेंगे, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी और वर्कर को उसके काम की और उसकी टीम के काम की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या, और निर्माण प्रक्रिया में हर एक प्रोडक्ट के दोष को कम करके लगातार गुणवत्ता सुधारने पर कोशिश की जाती है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को विलियम डेमिंग ने 1980 में विकसित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे शॉर्ट में TQM कहा जाता है और हिंदी में इसे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध कहते हैं। ये TQM क्या होते हैं, कभी भी खत्म ना होने वाले प्रोसेस है, जो सबसे पहले ग्राहक को ध्यान में रखकर शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका लक्ष्य ही क्या है, अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में PDCA साइकिल की इम्पोर्टेंट रोल होता है। PDCA साइकिल मतलब P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट, के PDCA साइकिल, ये ऐसे साइकिल अपना चलता रहता है, क्योंकि PDCA साइकिल एक निरंतर गुणवत्ता सुधार मॉडल है, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है, जिसमें एक निरंतर ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट
उसका परिपालन यानी कि उसको अच्छे से फॉलो किया गया है और सीखने के लिए चार चरणों के क्रम दिए गए हैं जो कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें PDCA में पी का क्या मतलब है ना। यहाँ एक करेक्ट ऑप्शन दे देंगे, बाकी गलत दे देंगे, या फिर चार ऑप्शन देंगे, कहीं बताओ कौन सा गलत है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और पूरा प्रोसेस भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रोसेस है। तो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, PDCA, इसको याद रखना है। प्लान में क्या होता है, ये PDCA साइकिल का पहला चरण है। इसमें संगठन में आने वाली सभी परेशानियों व दोषों को देखा जाता है और उन घटकों के आधार पर ही नई योजनाएं बनाई जाती हैं। PA प्लान करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दोष आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको देखेंगे कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, फिर उनके आधार पर ही, उनके फैक्टर्स के बेस पर ही नई नई प्लानिंग की जाएंगी। फिर डू, डू में क्या होता है, PDCA साइकिल का सेकंड ये इसका स्टेप है। इस स्टेप में हमने जो पहले स्टेप में प्लानिंग की थी उनको पूरा किया जाता है। डू यानी कि पूरा करना, पूरा किया जाता है और उन बदलाव को उनके जो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस है ना उसके साथ पूरा किया जाता है, उनके दस्तावेज प्रक्रिया के साथ पूरा किया जाता है। थर्ड पे हम चेक करेंगे कि जो अब किया गया है वो ठीक है कि नहीं। तो इस स्टेप में, इस चरण में पिछले दोनों चरणों के आंकड़ों को जांचा जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि जो योजना बनाई गई थी वो सफल हुई है या नहीं। और लास्ट आ जाएगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक्ट। ये PDCA साइकिल का लास्ट चरण है, लास्ट स्टेप है। इसमें संगठन के सभी कर्मचारियों के साथ संवाद साधा जाता है, इनके सभी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है कि जो भी हमारे दिक्कतें आई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। तो ये है हमारा TKOM प्रोसेस जो कि अपने सिलेबस में है HPSC के में, और ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।